Hello students, good morning. I am your English teacher Miss Kajal and today we are going to start with our new chapter Standard 2 Semester 2 Subject English Chapter 3. Chapter 3 The Shepherd's Watchdog Page number 2020 In your season's semester 2 textbook. Now let's start. The shepherd's watchdog. The meaning of shepherd is the person who keeps sheep, and watchdog, the dog who keeps watch on the sheep. Now let's begin. Once there was a shepherd who had a large flock of sheep. Flock of sheep means group of sheep. He also had a good and strong watchdog to guard them. So once there was a shepherd. एक बार एक चरवाहा था जिसके पास बहुत सारी sheep थी and उसके पास एक ऐसा dog था जो वो sheep की देखभाल करता था, उनकी रखवाली करता था. When the flock grazed in the pasture, the dog guarded the sheep all morning. Then in the evening, the dog would guide them back home. Not a sheep or a lamb escaped his watchful eye. Now, the dog used to keep watch on them. He used to take them home back in the morning time, in evening time. And nobody was allowed to go away from the group. So, वो dog सब पे नजर रखता था कि कोई sheep या lamb इधर उधर नहीं चला जाए. और sheep और lamb की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस dog की नजरों से कहीं दूर चले जाए या भाग जाए. Pasture का मतलब होता है land covered with grass. बहुत बड़ा land जहाँ पे सिर्फ grass ही grass हो. और ग्रेज का मतलब है फीड ऑन ग्रास, जो ग्रास खाते हैं. नाउ थर्ड पैराग्राफ. एट नाइट व्हेन ऑल वर स्लीप द डॉग वुड लाई डाउन आउटसाइड द पेन. ही वुड वेक अप एट द स्लाइटेस्ट साउंड एंड बार्क फियर्सली. नो वुल्फ और डॉग डेयर टू कम एनीवेयर नियर द पेन. The shepherd and his family were never disturbed in the middle of the night. So, at night, the dog used to sit outside the pen. Pen means the place where sheep and lambs are kept. वो जो चारों तरफ से लकड़ियों से घिरी हुई जो जगह होती है, उसे pen बोलते हैं. तो वो dog रात को क्या करता था? वो pen के बाहर बैठता था. और अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो वो तुरंत उठ जाता और बहुत ज़ोर से बार्क करता, ताकि जो वहाँ पे वुल्फ या डॉग वो शिप या लैम्ब को खाने आए तो वो भाग जाए. और उसकी आवाज़ से कोई भी हिम्मत नहीं करता था वहाँ पे आने की. एंड बिकॉज ऑफ दिस डॉग द शेफर्ड्स फैमिली वॉज नेवर डिस्टर्ब्ड इन द मिडल ऑफ द नाइट. शेफर्ड की फैमिली आराम से सोती थी क्योंकि डॉग सारी शिप्स और लैम की रखवाली करता था. पेज नंबर 21. द शेफर्ड वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिज डॉग. एट मिड डे व्हेन द शेफर्ड हैड हिज लंच ही फीड द डॉग लविंगली एंड स्पोक टू इट सॉफ्टली. He strokes the dog gently while it lays on it at its feet. फिर जबी भी शेफर्ड खाना खा लेता था, उसका लंच कर लेता था, फिर वो डॉग को उसके जो उसका जो डॉग था उससे बहुत अच्छे से बातें करता था, उसके शरीर पे हाथ घुमाता था, उसको अच्छे से खाना खिलाता था और उसको अपने पैरों पे सुलाता था. The sheep
watched this daily and whispered about the special treatment the dog got. So one day, when the shepherd was sharing his lunch with his dog, the sheep said, फिर एक दिन क्या हुआ, सारी शिप्स आपस में बात कर रही थी कि ये डॉग को ये शेफर्ड कितने अच्छे से रखता है, उसके साथ कितना अच्छा बिहेव करता है, उसको कितनी अच्छी ट्रीटमेंट्स मिलती है। सो एक दिन क्या हुआ, जब शेफर्ड अपना लंच डॉग के साथ शेयर कर रहा था, एक शिप ने कहा, मास्टर यू सीम टू केयर ओनली फॉर द डॉग नॉट फॉर अस एट ऑल। तो एक शिप ने कहा, आप तो सिर्फ अपने डॉग की ही देखभाल करते हैं, उसके साथ ही अच्छा बिहेव करते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं। देन द शेफर्ड रिप्लाइड, व्हाट डू यू मीन, आई डू केयर फॉर ऑल ऑफ यू, आई सी दैट यू आर फीड वेल एवरी डे, यू हैव क्लीन ड्राई स्ट्रॉ टू स्लीप ऑन एंड यू आर केप्ट सेफ एंड साउंड। सो योर, वो शेफर्ड रिप्लाई करता है, तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, तुम लोग को इतना खाना अच्छे से मिलता है, तुमको सोने के लिए ड्राई ग्रासेस मिलती है, एंड तुम लोग को हम इतना सेफ रखते हैं ताकि कोई वुल्फ या डॉग तुम्हें खा ना जाए। पेज नंबर 22। देन द शिप रिप्लाइड, वी गिव यू वुल मिल्क एंड लैम्स, You give us nothing at all. We feed on grass that we ourselves have to find. We are obedient and do not give you any trouble at all. But this dog gives you nothing. Still you feed him lovingly and care for him a lot. तो वो शिप बोलती है, हम आपको वूल देते हैं, मिल्क देते हैं, लैम्स देते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी कोई केयर नहीं करते। हम खाने के लिए ग्रास भी खुद ही ढूंढते हैं, हम कितने ओबीडियंट हैं, हम आपको कोई मुश्किलें भी नहीं देते हैं, और ये डॉग ये तो आपको कुछ नहीं देता है, तो भी आप इसके साथ इतना अच्छे से बिहेव करते हैं। द शेफर्ड वॉज टेकन अबैक बट द डॉग एट वंस सेड, तो द शेफर्ड ये सुन के एकदम सरप्राइज हो गया, टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज कि ये शिप कैसा बोल रही है। देन द डॉग रिप्लाइड, वो डॉग ने कहा, यू आर राइट माई फ्रेंड, बट वॉट वुड हैपन टू यू इफ आई एम नॉट देयर, ईदर सम थीफ विल स्टील यू और सम वुल्फ विल मेक यू हिज मील, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रेज सो पीसफुली हैड आई नॉट बीन वॉचिंग ओवर ऑल ऑफ यू। सो द डॉग रिप्लाइड के माई फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, अगर आप लोगों की मैं देखभाल नहीं करूँगा, तो कोई भी वुल्फ आपको आके लेके जाएगा और खा जाएगा, और फिर आप लोग इतना पीसफुली जो आप ग्रास खाते हो आराम से, ताकि इतना पीसफुली आप ग्रास खाते हो आराम से, तो वो आप नहीं कर पाओगे अगर मैं नहीं होऊंगा। अगर आप ग्रास खा रहे होगे और कोई वुल्फ आके आपको पकड़ के ले जाएगा, आप क्या करोगे, तो उसकी आपकी देखभाल तो मैं ही कर रहा हूँ। ऑन हियरिंग दिस वर्ड्स द शिप्स वर अशेम्ड ऑन देयर बिहेवियर, दे थैंक द डॉग फॉर वॉचिंग ओवर देम ऑल डे एंड नाइट। ये सुनने के बाद सारी शिप्स खुद पे अशेम फील कर रही थी कि हमने ऐसा कैसे किया, हमने शेफर्ड को ऐसा कैसे बोला, हमने कैसा बिहेव किया। देन थैंक द डॉग फॉर वॉचिंग ओवर देम ऑल डे एंड नाइट, और उन लोगों ने डॉग को थैंक यू कहा कि वो उन्हें पूरे दिन देखभाल उनकी करता है, ऑल डे एंड नाइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम मीनिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर विच यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक 3 times ईच। फर्स्ट वन इज फॉक, अ ग्रुप ऑफ शिप। Second, watchdog, a dog trained to guard people or property. Guard, watch over. Graze, feed on grass. Pasture, land covered with grass.
Pen, place where ships are kept. Taken aback, surprised. Thank you.